हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट। अब ये सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे और वी विल फाइंड आउट आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 644 मल्टीप्लाई बाय 45। तो सबसे पहले जब इन क्वेश्चंस को हम लोग अभ्यस्त करते हैं तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन से नंबर का किस में मल्टीप्लीकेशन हुआ है। यानी कि हमारा सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि ये टोटल 5 नंबर्स हैं और हमारी रॉड्स भी 5 ही होंगी। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग इस रॉड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की। जो यानी कि 645 मल्टीप्लाई 45 हम लोग यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक में क्वेश्चन हमें करना है 5 रॉड्स पर, क्योंकि हमारे नंबर्स 5 हैं जो कि हमने काउंट किए थे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। सिक्वेंस विल बी 4 का 6 में, देन 4 में और देन 4 में। हम लोग का सिक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा। तो अब जो इस तरह से करेंगे हम लोग, ये हमने रॉड्स काउंट कर ली हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से 4 का 6 में 24, 4 6 24 यहाँ लगा दीजिए। देन नेक्स्ट नंबर अब हमारा इसी रॉड पे लगेगा जिस रॉड पर हमने लास्ट नंबर किया है। यानी कि 4 वाली जो हमारी रॉड है वही हमारे नेक्स्ट नंबर लगाने की रॉड होगी। तो अब 4 का टेबल 4 में, 4 4 16, तो 1 और 6, 1 यहाँ लगाएंगे और 6 यहाँ लगाएंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट रॉड होगी ये वाली, यानी कि 100 की रॉड हमारी नेक्स्ट रॉड होगी। 4 4 16, तो 1 और 6। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट ओवर हो गया है, यानी कि 644 मल्टीप्लाई बाय 4 हमने कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 5। तो अब हम लोग 5 वाला नंबर भी करेंगे। अब इसको भी इसी सिक्वेंस में रखेंगे। इसको रखने के लिए क्या करेंगे, 6 का टेबल पहले, 5 का टेबल 6 में, देन 4 में, देन 4 में। यानी कि ये भी यही सीक्वेंस है, लेकिन हमारा जो नंबर है वो चेंज हो गया है। पहले 4 का हमने 644 में किया था, अभी हम 5 का 644 में कर रहे हैं। तो 5 का पहले 6 में, तो जो अब हमारी रॉड होगी, क्योंकि नंबर हमारा एक खत्म हो गया है, यानी कि हमने 4 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे नंबर्स रह गए हैं 1, 2, 3, 4। तो अब हमारी रॉड्स भी 4 रहेंगी, यानी कि 1, 2, 3, 4। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 1, 2, 3, 4 हमारे 4 नंबर्स हैं। तो 5 का 6 में, 5 6 30, तो हमें लगाना है 30। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 और 0। अब ये 0 जो है वही हमारे नेक्स्ट नंबर की रॉड होगी। तो 5 4 20, तो 2 और 0, 0 यहाँ पर होगी। तो 0 के भाई हमें वहीं पर नंबर लगाना है जो नंबर वहाँ पर एंड होता है। तो देन 5 4 20, तो 2 और 0, हमारा आंसर आएगा 28980। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब नेक्स्ट में क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिकॉज ये हमने समझ लिया है ये कॉन्सेप्ट, इट विल बी वेरी इजी। अभी करने के लिए पहले क्लीन करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही हमें सेम सीक्वेंस इस क्वेश्चन में भी करना है। 263 मल्टीप्लाई बाय 59 है। तो सबसे पहले हम लोग रॉड्स काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5 का 2 में ये सीक्वेंस सेम 9 में भी रहेगा, 5 का 6 में, 5 का 3 में। देन सबसे पहले 5 का 2 में करेंगे, 5 2 10, तो 1 और 0, ये हमारी नेक्स्ट नंबर की रॉड होगी जो स्टार्ट करेंगे। 5 6 30, तो 3 और 0, ये नेक्स्ट नंबर की रॉड। 5 3 15, तो 1 5, ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि 263 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया है। अब हमें करना है 9 से। अब ये 9 से स्टार्ट करना है, तो 9 का बिल्कुल सीक्वेंस वही रहेगा, 9 का 2 में, देन 6 में, देन 3 में, सेम सीक्वेंस में जैसे हमने 5 का किया था 263 में, अब 9 का करेंगे। लेकिन नंबर हमारा 5 हो चुका है, तो हम लोग को क्या करना है, अब हमें 9 का 9 से काउंट करना है, 1 2 3 4। अब 4 नंबर्स रह गए, तो यानी कि हम 4th रॉड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब 9 का 2 में, 9 2 18, 1 और 8। अब आपका नेक्स्ट नंबर की रॉड ये हो गई है, तो 9 6 54, 5 करने के लिए -5 + 10 और 4 यहाँ करेंगे 54। अब नेक्स्ट नंबर की रॉड आपकी ये है 9 3 27, 2 यहाँ लगाना है, -8 + 10 और 7 यहाँ लगाना है। हमारा आंसर हो गया 1 5 5 1 7।
होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।